assalamu alaikum so today we have to solve paper 4 ATP of October November 2020 <clears throat> so, Let's start Question number 1 A student investigates how the strength of a bridge varies with its width फिगर वन पॉइंट वन शोज दूस हमारे पास जो यूज कर रहे हैं वो वुडन स्पोर्ट्स है कार्ड बोर्ड है जिससे वो ब्रिज बनाता है स्टूडेंट इज गिवेन रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कार्ड विच इज ट्वेंटी सेंटीमीटर लॉन्ग एंड ट्वेल्व सेंटीमीटर वाइड द कार्ड रिप्रेजेंट द ब्रिज द लेंथ ऑफ द कार्ड डज नॉट चेंज बट दिर्थ इज़ रिड्यूसड ड्यूरिंग द एक्सपेरीमेंट यानी कि जो ट्वेंटी सेंटीमीटर है ये कॉन्सटेंट रहती है ड्यूरिंग द होल एक्सपेरीमेंट बट द वथ जो इस वक्त ट्वेल्व सेंटीमीटर है ये एक्सपेरीमेंट के दौरान चेंज हो जाती है इसको हम चेंज करेंगे She has also two identical wooden sports which are placed so that the gap between them is 16 centimeter here it is 16 centimeter is the gap between the wooden sports she places the card on the sports to make a bridge she loads the bridge by placing identical coins one at a time onto it she places the

टू एंश्योर अ फेयर कंपेरिजन इट इज नेक्शन ऑफ लोड इज सेम हमने उसको जब हमने लोड उसको अप्लाई करना है तो उसका पॉइंट ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए और तो वो मोस्ट सीवियर कंडीशन के लिए टेस्टिंग होगी ओके <coughs> okay, जी पार्ट बी शी नीड्स टू नो दैथ ऑफ ईच क्वाइंट The balance available measures mass to the nearest gram. Describe how the student uses the balance to find the mass of a coin gram. Let me see, there seems to be some problem. ओके okay, जी अच्छा प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो मैस जो बैलेंस है वो मैथ ऑफ द कोइन मैर करता है नीरेस्ट ग्राम यानी कि वो या तो थ्री ग्राम मैर करेगा या फोर ग्राम मयर करेगा बट वी वॉन्ट टू मयर द मैथ टू द नियरेस्ट पॉइंट वन ग्राम तो उसका क्या मेथड होगा कि हम मैथ मयर कर लें या नंबर ऑफ कॉइंस का फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल फाइव कॉइंस का आप मैथ मईर कर लें जब आप इसको डिवाइड कर देंगे बाई दैट नंबर दैट इज फाइव सो वी विल गेट द एवरेज मैथ ऑफ ईच कॉइन और वो बन जाएगा फोर पॉइंट फोर ग्राम सो इन दैट वे वी विल बी एबल टू मयर द मैस टू दीयरेस्ट पॉइंट वन ग्राम ओके जी पार्ट 2 इच कॉइन हैज अ मास ऑफ 3.4 ग्राम शी एड्स कॉइंस केयरफुली वन एट अ टाइम ऑन टू हर ब्रिज अंटिल द ब्रिज कोलैप्सिस सो ऐड वो कॉइन किए जा रही है और एक मोमेंट ऐसा आता है कि ब्रिज कोलैप्स कर जाती है शी रिकॉर्ड्स द नंबर ऑफ कॉइंस दैट द ब्रिज होल्ड्स जस्ट बिफोर इट कोलैप्सिस She repeats this four more times. So, ek dafa four more times repeat kia. So, total readings you aagay, five आगे. The number of coins needed age sixteen. the dafa sixteen coins dale to collapse kia. Then, another reading is fifteen. Then, again sixteen, then fourteen and then fifteen. Find the average mass m in grams that the card can support. Give your answer to

उसके बाद ये हमारे पास आ गया एवरेज नंबर ऑफ क्वाइंस हमें चाहिए एवरेज मैस तो वन कॉइन है ऑन द टॉप ऑफ द स्क्रीन इट विल तो थ्री पॉइंट फोर से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट बिकम्स फिफ्टी वन पॉइंट सिक्स एट ग्राम अभी फिफ्टी वन पॉइंट सिक्स एट ग्राम अब वो ये कह रहा है आंसर आपने देना है टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तो आप इसको राउंड ऑफ करेंगे फिफ्टी वन टू सिग्निफिकेंट फिगर फाइव इज वन सिग्निफिकेंट फिगर वन यहाँ पे ये टू सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाते हैं राउंड ऑफ करेंगे अगला डिजिट सिक्स है इट इज ग्रेटर देन फाइव तो ये राउंड ऑफ हो हो जाएगा फिफ्टी टू ग्राम

ये देखें ये हमारा कार्ड था वो क्या करती है जी कि यहाँ से इसको टू सेंटीमीटर कट कर देती है अब उसकी लेंथ तो ट्वेंटी सेंटीमीटर ही रहती है लेंथ रिमेन्स द सेम लेकिन इसकी जो विड्थ है विच, विच इज ट्वेल्व सेंटीमीटर ये ट्वेल्व सेंटीमीटर की बजाय टेन सेंटीमीटर हो जाती है और अब उसको दोबारा से वो कंपेयर करती है दोबारा से एक्सपेरिमेंट को रिपीट करती है वो कहते हैं कि कैसे ये फेयर कंपैरिजन है फेयर कंपेरिजन के डिफ्रेंट आप इसकी रीजंस बता सकते हैं मास्की में भी आपको डिफरेंट मिल जाएंगी लेकिन जो मोस्ट सेंसिबल है वो मैंने लिखती है कि जो उसकी लेंथ है वो रिमेंस सेम लेंथ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा ब्रिज की सो so, ब्रिज की लेंथ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा सो दैट इज वाई इट विल बी अ फेयर कंपेरिजन द लेंथ ऑफ द कार्ड इज सेम Part two, she the until there is only उसको हर एक्सपेरिमेंट करके हर मेजरमेंट लेने के बाद वो टू सेंटीमीटर काट देती है और दोबारा से रिपीट करती है एक्सपेरिमेंट को तो ये हमारे पास एक टेबल गिवन है ट्वेल्व टेन एट सिक्स फोर दिस इज़ द वे एंड द मैस क्रैम जिसके ऊपर वो क्लैप्स हो रहा है फिफ्टी टू थर्टी सेवन ट्वेंटी सिक्स तो एलेवन फाइव हमारे पास रीडिंग उन्होंने दी हुई है एड योर वैल्यू फॉर डब्ल्यू इज़ ट्वेल्व सेंटीमीटर फ्राम वन बी टू टू टेबल वन पॉइंट वन ये मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है जो हमने अभी फाइंड की थी दैट इज़ फिफ्टी टू ग्राम On figure 1.2, plot a graph of M on the y-axis against W on the x-axis. Start both axes from the origin. Draw the smooth curve of best fit. अच्छा ये अब आ गया question of graph. और graph का जो question है ये हर paper में ही आता है. So और इसके अंदर थोड़ी सी आपको थोड़ा careful भी रहने की जरूरत है. सबसे पहले जो instructions हैं उसको आपने follow करना है. वो कह रहा है प्लॉट ग्राफ ऑफ एम ऑन द अगेंस्ट डब्ल्यू ऑन द तो आपने वाई एक्सिस पर डब्ल्यू ही लेना है अगर आप इसको उलट कर देंगे चेंज कर देंगे तो यू विल लूज द मार्क्स अगली इंस्ट्रक्शन वो क्या दे रहा है स्टार्ट बोथ एक्सेस फ्रॉम द तो आपने ओरिजिन से ही स्टार्ट करने हैं बोथ एक्सेस को और उसके बाद आपने करनी इट्स स्मूथ कर बेस्ट फिट अच्छा जी अब हम आते हैं टुवर्ड्स द ग्राफ नहीं ये आपको अच्छा ग्राफ जब आपने ड्रॉ करना है तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है सबसे पहला काम आपने करना है कि आपने एक्सिस को लेबल करना है मैथ इन ग्राम यानी कि आपने क्वांटिटी बतानी है विच इज ऑन वाई एक्सेस एंड इट्स यूनिट और इधर है सेंटीमीटर ये यहाँ पे इसको किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है थिंक इट इज डी इट इज डब्ल्यू ओके सो इट इज डब्ल्यू सेंटीमीटर। सबसे पहला काम ग्राफ के क्वेश्चंस में आपने ये करना है कि एक्सेस को लेबल कर लेना है उसके बाद आपने एक स्केल डिसाइड करना है और स्केल कैसा होना चाहिए कि आपका जो ग्राफ हो वो मोस्ट ऑफ द स्पेस जो गिवन है उसके ऊपर आ जाए ये ना हो कि इतनी ज़्यादा स्पेस है और आपका ग्राफ जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ से इत, इत, इतना ग्राफ आ रहा हो जो मोस्ट ऑफ द स्पेस है आपने उसके ऊपर कवर करना है तो उसके लिए आप देखें कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है मिनिमम वैल्यू कौन सी है आपके पास ग्राफ की स्पेस कितनी है उस लिहाज से आपने उसका स्केल डिसाइड कर लेना है और स्केल डिसाइड करते वक्त आपने एक और चीज का ख्याल रखना है कि जो आपने स्केल डिसाइड करना है वो कोई ऐसा स्केल होना चाहिए जिसको यूज़ करना आसान हो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने स्केल कर लिया वन स्मॉल स्क्वेयर इज इक्वल टू वन ग्राम इसको वन ग्राम कर लें इसी तरह ऊपर से एक्स एक्सिस पे मैंने लिया है पॉइंट टू सेंटीमीटर ये जो आपकी वैल्यूज़ आ रही है ना ये वन टू या फाइव होनी चाहिए एंड के ऊपर अगर आप इसको थ्री ले, ले लेंगे फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ वन स्मॉल स्क्वेयर पॉइंट थ्री सेंटीमीटर ये थोड़ी मुश्किल हो जाएगी ग्राफ ड्रॉ करने में So, ये याद रखें जब भी आपने स्केल लेना है यहाँ पे वन आना चाहिए एंड पे टू आना चाहिए या फाइव आना चाहिए जैसे इस केस में आ रहा है मेरे पास वैसे ही ग्राम है इट इज़ ओके इस केस में पॉइंट टू है आखिर में आ रहा है टू सो एंड पे वन आए टू आए या फाइव आए अच्छा जब आपने एक्सिस को लेबल कर लिया और स्केल कर लिया उसके बाद आपने वैल्यू ओके okay, जी सो सॉरी देर प्रॉब्लम पाकिस्तान का इंटरनेट जो है वो तंग करता रहता so mass of coins is 65 gram let me check its answer okay it's answer from 60 to 66 gram just हाउ द स्टूडेंट कैन आल्टर दो देट द्रिज होल्ड फॉर ऑल ऑफ कार्ड सब हमने ऐसा फाइंड करना है कि हमारा ऑपरेटस ऑल्टर नहीं करना ऑपरेटस हमने यही यूज करना है लेकिन ब्रिज होल्ड कर सके मोर मैस फॉर ऑल द विड सो उसके मैथड ये हैं कि वुडन ब्लॉक्स को हम थोड़ा क्लोज करते हैं तो उससे लेंथ होगी ब्रिज की वो कम हो जाएगी और उससे वो ज़्यादा मैच जो है बर्दाश्त करने के काबिल हो जाएगा सेकंड ऑप्शन ये भी हो सकती है कि सेकेंड ऑप्शन ये हो सकती है कि आप जो कार्ड है उसकी थिकनेस को इनक्रीज करते हैं तो उससे भी ब्रिज विल बी एबल टू होल्ड मोर मैथ अच्छा जी ईच स्टूडेंट इन द क्लास हैज ओनली वन पीस ऑफ कार्ड एट द स्टार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट

फिर सिक्स सेंटीमीटर हो गया फिर मजीद कट कर दिया फोर सेंटीमीटर आ गया और फिर एंड पे टू सेंटीमीटर आ गया अब वो कह रहे हैं कि एक स्टूडेंट ऐसा था उसने कहा कि वो ये ट्वेल्व सेंटीमीटर से नीचे आने के बजाय क्यों ना शुरू किया जाए टू सेंटीमीटर से तो वो कह रहे हैं इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ सकती है तो प्रॉब्लम सिंपल सी बात है आपने एक कार्ड आपके पास था आपने उसको कट कर करके कर आप उसकी वर्थ कम कर रहे हैं जब आपने उसको कट कर करके विथ कम कर दी तो आपने कम वाली रीडिंग टू सेंटीमीटर से तो आप रीडिंग ले लेंगे लेकिन फिर आप इंक्रीज कैसे करेंगे क्योंकि वो तो उसको तो आप पहले से कट कर चुके हैं सो so, ये प्रॉब्लम आएगी सो दैट्स वाई आई हैव रिटन द आंसर दैट ही विल नॉट बी एबल टू टेक रीडिंग्स विद इनक्रीज विर्थ वो बस टू सेंटीमीटर की रीडिंग लेके बैठ जाएगा बिकॉज ये आर एडिकट दार्ड और उसके पास कार्ड भी सिर्फ एक ही है ये नहीं है कि एक को उसने टू सेंटीमीटर तक कर लिया ओके कोई बात नहीं दूसरा कार्ड ले आओ उसको चार सेंटीमीटर ले जाएंगे उसके पास एक ही कार्ड है सो ही वुड नॉट बी एबल टू टेक ऑल द रीडिंग्स

आइस पिघल रही है नीचे जो पिघल के जो वाटर बन रहा है वो नीचे बीकर के अंदर जा रहा है और बीकर का बीकर इज ऑन द बैलेंस उसका मैस मयूर हो रहा है सो दिस इज इलेक्ट्रिक हीटर इज प्लेस्ड इन द आइस इन साइड द ग्लास फनल स्टेट द स्टूडेंट मस्ट डू बिफोर स्विचिंग ऑन द हीटर जी सो एनी बॉडी ऑफ यू कैन कमेंट on that what should be done before switching on the heater anybody please use the chat option I am waiting for your response. ओके okay. सबसे पहले जी उसको करना ये चाहिए कि जो बैलेंस है इसकी रीडिंग को जीरो पे लेके आना चाहिए ताकि वो जो मैस मयर करना चाह रहा है ऑफ वाटर एंड द बीकर ऑफ वाटर ही 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 वांट्स टू मैयर द मैस ऑफ द वाटर तो बीकर रख के इस बैलेंस की जो रीडिंग है उसको जीरो करना पड़ेगा so student must make the reading on balance set to 0 The heater is switched on and water drips into the beaker. The student switches off the heater after time t. Suggest why the student waits a further minute after switching off the heater before taking a reading from the balance. You should wait so that. ऑल द मेल्टेड वाटर रीच द बीकर चूँकि उसने मैर करना है मैस ऑफ द वाटर को तो जब उसने हीटर को क्लॉज किया तो कुछ वाटर है जो कि मेल्ट हो चुका है लेकिन अभी तक बीकर में नहीं पहुँचा तो so, उसको वेट करना है ताकि सारे का सारा मेल्टेड वाटर जो है वो बीकर तक पहुँच जाए सो लेट्स राइट इट Ensure that all the melted water reaches the bigger. Okay, scales on the voltmeter and ammeter when the heater is switched on are shown in figure 2.2. State the reading of current I and voltage V when the heater is switched on. Okay, Up -up ab. current, so we have to use the ammeter. एम मीटर के स्केल को अगर आप देखें तो ईच स्मॉल डिवीजन पॉइंट वन तो यहाँ पर आप देखें दिस विल बी फोर एम्पीयर यहाँ पे गई ये फोर पॉइंट फाइव होगा और ये उससे एक डिवीजन आगे पॉइंट कर रही है सो इट विल बी इक्वल टू फोर पॉइंट सिक्स एम्पियर एंड कमिंग टू द वोल्टेज यहां पर अगर आप देखें तो ईस्ट वर्ल्ड रिप्रेजेंट पॉइंट आठ है ये दस है दरम्यान में इट विल भी नाइन नाइन पॉइंट टू नाइन पॉइंट फोर नाइन पॉइंट सिक्स इट विल बी नाइन पॉइंट एट वो Using the equation, calculate the energy E that has been supplied by the heater. Very good. Calculate the energy that has been supplied by the heater when time is 5 minutes. So, we have given 4 point energy will be equal to. Current that is 4.6 ampere, voltage that is 9.8 volt, and time is 5 minutes. But here you, we want energy in joule. So all the units in the calculation must be SI units. Minutes ko hume convert karna hai into seconds. So we will multiply it by 60, and then we will calculate. We will multiply. We'll get one three five two four joule okay, part four. The mass M of ice melted in five minutes is thirty six point two grams the specific latent heat of fusion of ice is given by e over m calculate a value of l and give a unit for your answer so we have value of e we have just calculated 13524 joule and we are given 36.2 gram the mass we will divide it and we will get 373.6 and E is in joule mass जिसको हमने divide किया है that is in gram so it will be joule per gram the teacher tells the student that this value is different from the accepted value apart from your answer A suggest two improvements to the experiment तो हमने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो इम्प्रूवमेंट्स लेनी है वो इस तरीके से ऐसी इम्प्रूवमेंट्स लेनी है जिससे हीट लॉस रिड्यूस हो जाए इसके अंदर काफ़ी हीट लॉस हो रहा है इस अरेंजमेंट के अंदर तो हमने ऐसी सजेशंस देनी है जिसके अंदर हीट लॉस होना बंद हो जाए या रिड्यूस हो जाए तो नंबर वन सजेशन इज़ दैट इन्श्योर दैट हीटर इज़ फुली इमस्ड इन द आइस अगर हीटर फुली इमर्स नहीं होगा तो हीटर को एनर्जी तो जा रही होगी हमने वोल्टेज और एम मीटर से मेजरमेंट ली है हीटर को एनर्जी जा रही होगी हमारी रीडिंग में आ रही होगी बट दैट एनर्जी वुड नॉट बी यूज टू मेल्ट द आइस तो हमारी कैलकुलेशंस के अंदर फिर गड़बड़ हो जाएगी सेकंड वन है इंसुलेट द फनल ताकि कोई हीट जो है वो सराउंडिंग्स में लॉस ना हो So second point is that we can insulate the funnel. Okay, question number three. A student uses a ray box to investigate the path of light through the transparent plastic block shown in figure three point one.

यहां पर जो सरफेस है वो है तो नॉर्मल इस तरीके का होगा टू द पेज ये वाला इट विल नॉट बी द नॉर्मल दिस इज नॉर्मल दिस इज नॉट नॉर्मल टू द सरफेस आपने पेज के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ नहीं करनी बल्कि सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एट A, इसको अगर आप मयर करेंगे यूजिंग द प्रोट्रैक्टर ये वाला एंगल आपने मैयर करना है सो बिकॉज इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल तो ये वाला एंगल आप मैयर करेंगे सो इट शुड कम 18 डिग्री ऑन फिगर 3.1 पॉइंट वन ड्रा पॉसिबल पाथ ऑफ द रे फ्रॉम ए टू बी यहाँ पे उसने स्पेसिफाई कर दिया है नो मेजरमेंट्स नीड टू बी टेकन और कैलकुलेटेड तो आपने बाय आई जो है इसको अंदर से रिफ्रैक्ट कर देना है इसका जो एक्चुअल पाथ बन रहा था रे का वो बन रहा था कोई तो इस डायरेक्शन में जा रही थी है। तो आपने उसको कर देना है बेंड कर देना है टुवर्ड्स द नॉर्मल सो ये आप ब्लू कलर के अंदर आप ड्रॉ लाइन देख रहे होंगे जो मैंने ड्रॉ कर दी हुई है सो दिस विल बी द इसको आपने बस वैसे ही थोड़ा सा क्योंकि मयर हमने नहीं लेनी आपने बाई आई इतना उसको डिफ्लेक्ट कर देना है कि देखने से पता चल सके कि यस इट इज़ बींग रिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द नॉर्मल इट इज़ बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल तो आपने इसको बेंड करवा दिया टूवर्ड्स द नॉर्मल यहाँ पर जाकर ये स्ट्राइक हुई यहाँ पे उसने कहा है कि यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी रिफ्लेक्ट होकर पॉइंट बी तक पास करेगी यहां पे आप पॉइंट यहां से रिफ्लेक्ट होके इट विल गो टूअर्ड्स पॉइंट बी यहां पे भी आपने एक रे ड्रॉ कर दी सो इट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन ओके जी पार्ट फोर Two students determine the speed of sound in air by an echo method. One student stands a long distance away from a tall building, as shown in figure 4.1. The student bangs a drum to make a loud sound, and both students listen for the echo. State two additional pieces of apparatus that are needed in order to determine the speed of the sound. Yes anybody from the viewers who can state two additional pieces of operators that are needed for this experiment to measure the speed of sound Anybody, additional piece of apparatus for this experiment? Anybody who can tell the additional apparatus? that are needed in order to determine the speed of sound in this experiment. Stopwatch and tape. Good. PSL 6 live has answered. It is the stopwatch and tape. Stopwatch and tape. We need stopwatch to measure the time or tape measure we require to measure this distance this distance we have to measure this distance okay state the measurements that the student make and how they carry out the experiment to find a value for the speed of sound in air state any question used so first of all distance from the student to the building will be measured using tape measure एंड दैन वी विल मईर द टाइम इंटरवल बिटवीन द इंस्टेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ साउंड एंड इंस्टेंट ऑफ लिसनिंग टू एको यानी कि जब ये इसको ड्रम को बजाएगा तब हम स्टॉप वॉच को चला देंगे और जब ये एक्ो सुनेंगे तब उसको हम बंद कर देंगे तो हमें टाइम इंटरवल मिल जाएगा डिस्टेंस डी हमने मैयर कर लिया हुआ है जूजिंग द टेप मैयर हम इसको टू टाइम्स डी करेंगे क्योंकि साउंड जो है वो इधर से निकलती है इधर से रिफ्लेक्ट होगी और फिर वापस आगे सुनाई देगी तो जो डिस्टेंस है दैट विल बी ट्वाइस डिस्टेंस टू डी तो वेलोसिटी जो है स्पीड ऑफ साउंड जो है दैट विल बी टू डी डिवाइडेड बाय टी और इस तरीके से हमें स्पीड ऑफ साउंड मिल जाएगी थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट सो दिस वाज़ द लास्ट क्वेश्चन So, if you have any question, any feedback, any suggestion, you are welcome. Use the chat box and show your presence. Any comment, any suggestion, any feedback. Seems there is no question, no suggestion, no feedback. So let's end this live stream. Take care, keep learning. Allah is.